बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, हाज़र नाज़र साहबे जलाल व करम यकता मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मौसम गर्मा में शिद्दत गर्मी के सबब और रोज़ा की हालत में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जिससे मुंह हलक होंठ खुश्क हो जाते हैं। इस वीडियो में आपको एक घरेलू रेमेडी बता रहे हैं, अगर आप रोज़ाना इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी, हलक भी खुश्क नहीं होगा। इस रेमेडी में तीन चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, ये आप कहवा की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। तो चले तरीका आपको बता देते हैं। 7 अदद छोटी इलायची लेनी है, 1 चम्मच सौंफ की लें और 1 चम्मच शक्कर की लेनी है। इलायची और सौंफ को 3 कप पानी में डालकर बॉईल करें, जब 1 कप पानी रह जाए तो छान लें, पीते वक्त इसमें आप शक्कर शामिल कर लें। इसके इस्तेमाल से प्यास महसूस नहीं होगी, लेकिन इसके साथ स्पाइसी फूड का परहेज़ करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।